हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपका टीचर, आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। जी हां, हम फिर से आ गए हैं आपको टीच करने। और पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, अब हम वहां से आगे चलने वाले हैं। हेलो, हाय, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जहां पर हमने पिछले छोड़ा था। पीछे हमने छोड़ा था, हमने सीखा था जर्नल एंट्रीज। हमने ये प्रॉमिस किया था आपको कि जर्नल एंट्रीज कैसे लिखी जाएंगी, ये अगली क्लास में बताया जाएगा। और आज हम वो बात बताने जा रहे हैं, हाउ टू राइट जर्नल एंट्रीज। ये सभी स्टूडेंट जो इस चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सबको एक बात बता दूँ कि अगर आप जानते हैं हाउ टू रिकॉग्नाइज द नेचर ऑफ अकाउंट्स, तभी इस वीडियो को देखें। अगर आपको अभी ये नहीं आता तो आप इससे पहले के तीन वीडियोस हैं, उन तीनों वीडियोस को देखकर इस वीडियोस पर आइएगा। ठीक है, तो अभी मैं मानकर चल रहा हूं कि आपको मालूम है कि क्या है एसेट्स, क्या है कैपिटल, क्या है लायबिलिटीज, क्या है रेवेन्यू, क्या है एक्सपेंसेस। मैं मानकर चल रहा हूं कि आपको मालूम है कि कैसे पहचानते हैं कि किसी अकाउंट को पर्सनल कहते हैं, कैसे पहचानते हैं कि किसी अकाउंट को रियल कहते हैं, और कैसे पहचानते हैं कि उस अकाउंट को नॉमिनल कहते हैं। ठीक, तो आफ्टर नोइंग द नेचर ऑफ अकाउंट्स इनटू पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, नाउ इज द टाइम टू लर्न हाउ टू राइट जर्नल एंट्रीज। आज के सेशन में हम यही सीखने जा रहे हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको कोई भी डाउट हो तो यहाँ नीचे इस चैनल पर आप टाइप करेंगे, कमेंट करेंगे, तो मैं जरूर आपके सवालों का जवाब दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एटलीस्ट इस कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक जरूर देकर जाइएगा। थैंक यू। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लास्ट क्लास में हम सीख गए थे कि कैसे पहचाने। आइए आपको लास्ट क्लास के दर्शन करवा देते हैं। देखिए, लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि जैसे हमने ये पहला सेक्शन लिया था कि मिस्टर डेविड स्टार्ट करते हैं, और कैसे कैपिटल, क्यों क्रेडिट होगी, क्यों कैश डेबिट होगा। फिर हमने सीखा था कैसे कैश क्रेडिट होता है और कैसे बैंक डेबिट होता है। याद आया कुछ? उम्मीद है याद आ गया होगा। आज की क्लास में हम सीख रहे हैं जर्नल एंट्रीज। तो आइए पहले हम आप बात करते हैं जर्नल एंट्रीज की। व्हाट इज जर्नल एंट्रीज। देखिए, जिस तरीके से कोई भी स्टार्ट होता है, आप स्कूल में अगर एडमिशन लेते हैं तो वहां पर रजिस्ट्रेशन पहले आपका किया जाता है। तो इसी तरीके से जब एक बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होते हैं, बिजनेस में जब इवेंट्स होते हैं, तो पहले ये पहचाना जाता है कि क्या वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, क्या वो फाइनेंशियल इवेंट है, क्या हम उसे मनी में चेंज करके लिख सकते हैं। अगर उसको मनी में चेंज कर पाना पॉसिबल है, उसका मनी में वैल्यूएशन पॉसिबल है, तो हम उसे लिखते हैं। लिखते का मतलब रिकॉर्डिंग करते हैं। और रिकॉर्डिंग किस में की जाती है बेटा? रिकॉर्डिंग की जाती है बुक कीपिंग में, बिजनेस की जो बुक्स होती हैं उनमें। तो ऑल ट्रांजेक्शन्स, ऑल इवेंट्स विच कैन बी रिकॉर्डेड, विच कैन बी टर्म इनटू मॉनेटरी टर्म्स, विच हैव फाइनेंशियल नेचर, ऑल दीज ट्रांजेक्शन इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ बिजनेस। व्हाट डू यू मीन बाय बुक्स ऑफ बिजनेस? बुक्स ऑफ बिजनेस होते हैं नंबर एक वाउचर। क्या बोले? वाउचर्स। वाउचर्स क्या होते हैं अभी हम बताएंगे। और वाउचर पे लिखने के बाद फिर उनको पहुंचाया जाता है जर्नल एंट्रीज में। कहाँ पहुंचाया जाता है? जर्नल एंट्रीज में। कहाँ पहुंचाया जाता है? सब्सिडायरी बुक्स में, हेल्पिंग बुक्स में। कहाँ पहुंचाया जाता है? कैश बुक में। कहाँ पहुंचाया जाता है? कैश बुक में। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले ट्रांजेक्शन इवेंट्स को बिजनेस में लिखा जाता है। अगर लिखना संभव है तो लिखते हैं, वैल्यूएशन करना संभव है तो लिखते हैं। अगर वैल्यूएशन करना संभव नहीं है, इज इट नॉट पॉसिबल टू वैल्यू दैट ट्रांजेक्शन इवेंट्स? क्या ऐसे ट्रांजेक्शंस, क्या ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं? जी हाँ, हो सकते हैं। जैसे कि इस कमरे में, ये बिजनेस है, ये ऑफिस है, और यहाँ का चेयर मैंने दूसरे रूम में ट्रांसफ़र कर दी, तो ये ट्रांसफ़र ऑफ फर्नीचर फ्रॉम वन रूम टू सेकेंड रूम, इज इट अ ट्रांजेक्शन और इवेंट? इज इट अ इवेंट? इट इज़ अ इवेंट, इट इज़ अ इवेंट। क्या इस इवेंट का कोई वैल्यूएशन है? कैन इट बी वैल्यूड? नहीं, इसका वैल्यूएशन नहीं किया जा सकता। सिंस इट कैन नॉट बी वैल्यूड, सो इट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड। अगर हम इसका वैल्यूएशन नहीं कर सकते तो हम इसे रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे। इसी तरीके से कुछ और आपको इवेंट्स देता हूँ।
बिजनेस में जो बिजनेस का मैनेजर है उसका सेल्समैन से झगड़ा हो गया, झगड़ा हो गया एक आपस में। अब ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है, इससे फ्यूचर की सेल्स पर फर्क पड़ने वाला है, लेकिन इसका कोई वैल्यूएशन नहीं है तो हम इसको लिख नहीं सकते, हम इसको लिख नहीं सकते हम किताबों में। पॉइंट क्लियर है ना? ठीक, इसलिए इसको इम्पॉर्टेंट है पर हम लिखेंगे नहीं। इसी तरीके से और भी सुनिए, मेरे को 1 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। अब अगर मेरी कंपनी को ये ऑर्डर मिला है तो क्या मैं उसे अब लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता हूँ। क्यों नहीं लिख सकता हूँ? क्योंकि ऑर्डर मिलना अपने आप में कोई मॉनेटरी ट्रांजेक्शन नहीं है। क्या उन्होंने मुझे एडवांस दिया? नहीं। तो ऐसी हालत में सिर्फ ऑर्डर मिला है, इट इज जस्ट ए इंफॉर्मेशन, नॉट ए ट्रांजेक्शन, कोई इवेंट नहीं है जिसको मैं मनी में चेंज करके लिख सकूं। तो इसलिए अब हम इसको बुक्स में नहीं लिखेंगे। तो किसको लिखेंगे? आपने बिजनेस स्टार्ट करा, बिजनेस में पैसा आ गया, मालिक ने पैसा दिया है, इसे लिख सकते हैं। उस पैसे से बैंक में पैसा जमा कराया गया, बिजनेस के करंट अकाउंट में पैसा जमा हुआ, उसको लिख सकते हैं। उस पैसे से कुछ फर्नीचर खरीदा गया, रेंट पेड किया गया, सैलरी पेड किया गया, उसको लिख सकते हैं। उस पैसे से हमने गुड्स को परचेज करा है, उसको लिख सकते हैं। इसके अलावा हमने कुछ क्रेडिट में गुड्स परचेज करा, उसको भी लिख सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में तो पेमेंट करेंगे ना, तो लायबिलिटी क्रिएट हो गई तो लिख सकते हैं। इसके अलावा हमने सेल्स करी, कैश सेल्स करूं या क्रेडिट सेल्स करूं, दोनों लिख सकते हैं। कैश सेल करूं तो लिखूंगा कैश में, क्रेडिट सेल करूं तो मुझे मालूम है फ्यूचर में पैसा आना है भाई, लिखूंगा। ठीक है, इसी तरीके से ड्राइंग्स मैंने कर ली तो मैं ड्राइंग्स की एंट्री करूंगा, गवर्नमेंट को टैक्स दिया वो लिखूंगा, साल के लास्ट में मैंने क्रेडिटर्स से को पैसा देना है तो मैंने दिया तो वो लिखूंगा। ऑल दिस जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ ये सब क्या है, ये सब ट्रांजेक्शन्स हैं और हम इनको लिखते हैं। अब पिछली सभी क्लासेस में हम इन सब की अच्छे से बेटा प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, कैसे हम लिखेंगे? तो इसके लिए वाउचर्स होते हैं, जो हम वाउचर्स की क्लास में आगे आने वाली क्लास में बताएंगे। आज की क्लास जर्नल की है, जर्नल को पढ़ने के लिए वाउचर्स की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। वैसे वाउचर्स के बारे में बता दूं मैं कि जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ पेमेंट करते हैं, खाना खाते हैं, तो बदले में जो रसीद मिलती है वो अपने आप में एक वाउचर है। जब आप कहीं से कोई कैश में कोई सामान परचेज करते हैं, बदले में जो रसीद मिलती है, रिसिप्ट मिलती है, इनवॉइस मिलती है, वो एक अपने आप में कैश में वो मिलता है, वो अपने आप में एक वाउचर है। तो वाउचर होते हैं कागजी प्रूफ, डॉक्यूमेंट्स विच कैन बी टेकन एज एन एविडेंस, जो भविष्य में किसी लेन देन का सबूत होते हैं। ठीक है, और उनको इसलिए संभाल कर रखा जाता है कि कल को कोई मुझ पर आरोप लगा दे कि भाई ये पैसा तुमने दिया ही नहीं है, तो आप उस एविडेंस को, उस कागजी प्रूफ को दिखाएंगे, देखो भाई ये पैसा दिया है, देखो इसके सिग्नेचर हैं, सिग्नेचर हैं तो अब वो मना नहीं कर सकता जिसने मेरे से पैसा लिया है। ठीक है, जिसने मेरे से उधार खरीदा है उसके भी सिग्नेचर हैं, आप जाकर उससे पूछिए, सिग्नेचर उसने कर रखे हैं, तो वो अब उधार का ट्रांजेक्शन इनकार नहीं कर सकता, वो मुझे पैसा देगा ही देगा क्योंकि उसके सिग्नेचर हैं। बात समझ में आई? तो वाउचर्स के काम ये होते हैं, डॉक्यूमेंट ट्रांजेक्शन इवेंट्स को डॉक्यूमेंटेड करना, लीगल राइट क्रिएट करना, ठीक है, ताकि पार्टी, लेने वाली पार्टी पैसा ले सके, देने वाली पार्टी को पैसा देना पड़े। ठीक है जी, समझ में आ रहा है। अब हम जर्नल एंट्री की बात कर रहे हैं, तो जर्नल एंट्री का सबसे पहले मुझे बताना पड़ेगा कि जर्नल एंट्री का फॉर्मेट कैसा होता है। तो देखिए जरा, देखिए जर्नल एंट्री का फॉर्मेट कैसे होता है, अब मैं ये आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, एक रजिस्टर होता है उसे जर्नल एंट्री कहते हैं, तो उसमें सबसे पहले आपका एक कॉलम होता है डेट का। किसका कॉलम होता है जी? डेट का कॉलम होता है। फिर इसके बाद बिल्कुल राइट हैंड साइड पर आप अपने रजिस्टर में दो कॉलम बनाते हैं अमाउंट के, एक क्रेडिट अमाउंट का और एक डेबिट अमाउंट का। ठीक है, और एक छोटा सा एक कॉलम होता है जिसमें जो लेजर फोलियो का होता है, वो एक छोटा सा कॉलम आप बनाकर चलेंगे, ये हो गया लेजर फोलियो का। ठीक है,
अब बहुत से स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि ये क्या है, ये अभी हम बताने वाले हैं। बीच में जो रह गया है उसमें ट्रांजेक्शन इवेंट्स को लिखा जाता है जर्नलिस्ट के रूप में, तो उसको लिखा जाता है, यहाँ पर लिखते हैं हम पार्टिकुलर्स, करेक्ट हो गया, क्लियर, ठीक है जी, ये मैंने लिखा। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये LF क्या होता है। देखिए, जैसा कि आपने पिछली दो तीन क्लासेस में देखा कि जो भी ट्रांजेक्शन्स होता है, जो भी इवेंट्स होता है, उसके लिए हम उनके नेम ऑफ अकाउंट्स खोलते चले जाते हैं। जैसे कि बिजनेस में पैसा लगाया तो कौन सा अकाउंट खोला? कैपिटल अकाउंट। बिजनेस में पैसा आया तो कौन सा अकाउंट खोला? कैश अकाउंट। कैश बैंक में जमा करा दिया तो कौन सा खोला? बैंक अकाउंट। लैंडलॉर्ड को रेंट पेड कर दिया तो कौन सा खोला? रेंट अकाउंट। अब जगह ले ली, फर्नीचर खरीदा तो कौन सा खोला? फर्नीचर अकाउंट। फिर उसके बाद आपने उस वहां पर दुकान में गुड्स खरीदा तो आपने कौन सा अकाउंट खोला? गुड्स अकाउंट या परचेज अकाउंट। फिर उसके बाद आपने गुड्स को बेचा तो आपने नकद में बेचा तो कैश अकाउंट पहले से ही मेरा खुला हुआ था। फिर आपने उधार में बेचा तो डेटर्स का अकाउंट खोलेंगे, उस पार्टी के नाम से खोलेंगे। फिर उसके बाद आपने खर्चों की पेमेंट करी, रेंट की पेमेंट करी, टैक्स की पेमेंट करी, इलेक्ट्रिसिटी की पेमेंट करी, तो उन सब के अकाउंट्स। और फिर उसके बाद आपने पार्टियों की पेमेंट करी या पार्टियों से पेमेंट ली तो वो उसका अकाउंट। माल बेचा तो सेल्स अकाउंट। तो न जाने कितने अकाउंट्स खुलते चले जाते हैं। ऑल दीज अकाउंट्स आर सेपरेट अकाउंट्स। कितने अकाउंट्स होते हैं, एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा था, तो लाखों अकाउंट्स खुल सकते हैं किसी भी छोटे से बिजनेस में, हजारों खुल सकते हैं छोटे से बिजनेस में, बड़े बिजनेस में लाखों अकाउंट्स खुल सकते हैं। जितने नए नाम उतने नए अकाउंट। राज अकाउंट और राजा अकाउंट। एक अल्फाबेट ए आ गया तो दो अलग अलग अकाउंट, और इनको हम जिस रजिस्टर में रखते हैं वहां पर भी तो मेंटेन करेंगे ना। तो वो जो रजिस्टर में जब हम उसको रखते हैं तो पहला पन्ना होता है इंडेक्स का, और इंडेक्स में उसमें ए अल्फाबेट्स होगा। ए अल्फाबेट से जितने भी अकाउंट्स हैं उनमें उन सबका नाम लिखा जाएगा, और वो जिस पन्ने नंबर पर होंगे, जिस पेज नंबर पर होंगे, वो पेज नंबर लिखा जाता है। फिर अल्फाबेट्स बी के नाम से जो जो अकाउंट्स हैं वो लिखा जाएगा और उनके पेज नंबर लिखे जाएंगे। फिर सी के नाम से जो जो मेरे अकाउंट्स हैं, जैसे कि कार्टेज अकाउंट, कमीशन अकाउंट, कन्वेंस अकाउंट, वो सब लिखे जाएंगे और उनका पन्ना नंबर लिखा जाएगा। फिर डी में मान लीजिए पार्टी का नाम है दिनेश, तो दिनेश अकाउंट, ठीक है, और मान लीजिए धर्मा, तो धर्मा अकाउंट, तो उसका नाम होगा और उसका जिस पन्ना नंबर है वो पन्ना नंबर लिखा जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा? इस तरह से ए से जेड तक सारा इंडेक्स बना हुआ होता है। अब कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं जो साल में सिर्फ एक या दो दिन चलते हैं, तो ऐसी हालत में उनके लिए एक ही पन्ना काफ़ी है, और कुछ ऐसे अकाउंट जो साल भर में बहुत ज़्यादा चलते हैं, जैसे कि कैश अकाउंट, जैसे कि बैंक अकाउंट, जैसे कि परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, तो इनके लिए बड़ा लेजर बनाना पड़ सकता है, इनके लिए ज़्यादा पन्ने बनाने पड़ सकते हैं। तो हम पीछे पन्नों में इनके लिए उतने ही मार्जिन बना देते हैं। मान लीजिए मैंने कैश के लिए 20 पन्ने बना दिए, परचेज के लिए मैंने 20 पन्ने छोड़ दिए खाली, सेल्स के लिए मैंने 40 पन्ने खाली छोड़ दिए, तो इंडेक्स में मैं लिख दूंगा सेल्स अकाउंट इस पेज से इस पेज तक है। समझ में आ गया? तो यानी स्टार्ट इस पेज से होता है, मैं ये भी लिख सकता हूँ स्टार्टिंग पेज ये है। अब सेल्स अकाउंट है 20 पन्नों का, मान लीजिए पेज नंबर है 46। अब 48 पर मैंने कोई ट्रांजेक्शन करा क्योंकि बाकी के दो पेजेस भर चुके हैं, बाकी के दो पेजेस अप्रैल और मई और जून में भर चुके हैं। अब जुलाई महीना चल रहा है, जुलाई में मुझे कुछ एंट्री लिखनी है और पेज नंबर है 48 मान लीजिए। तो जब मैं यहां पर जर्नल एंट्री लिखूंगा, जो मैं ये आपको यहां पर दिखा रहा हूं, तो जब मैं यहां एंट्री लिखूंगा तो मैं यहां पर वो पेज नंबर लिख दूंगा यहां पर। समझ में आ गया? यानी कि ये ट्रांजेक्शन पढ़ने के बाद अगर इस ट्रांजेक्शन को आपने देखना है कि वो लेजर्स में कौन से पेज नंबर पर है, तो लेजर फोलियो LF वहां पर आप ढूंढ सकते हैं। समझ में आ गया? एज अ स्टूडेंट आपके कोर्स में लेजर फोलियो बोलेगा ही नहीं, वो तो आप खाली छोड़कर आएंगे, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल अकाउंटेंसी कर रहे होते हैं तो वहां पेज नंबर हमेशा हमें लिखना पड़ता है। ठीक है बेटा, क्लियर है? उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम सीखने जा रहे हैं जर्नल एंट्रीज। तो सबसे पहली एंट्री बिजनेस स्टार्टेड विद कैश,
तो ऐसी हालत में दो अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट और एक कैश अकाउंट। एक कैपिटल क्या होगी, कैपिटल गिवर है, क्रेडिट होगी। कैश क्या होगी, कैश इन है, बिजनेस के अंदर आ रहा है पैसा, तो इन होगा तो डेबिट होगा। अब इसे लिखना कैसा है ये मैं सिखाने जा रहा हूँ, तो पहले मैं फॉर्मेट सिखाऊंगा। मान लीजिए ईयर है 2019, ठीक है, और इसके बाद फिर मंथ, मंथ मान लीजिए जुलाई, और डेट लिख लीजिए, मान लीजिए डेट है 13 जुलाई, आज का दिन। और फिर इसके बाद फिर आप लिखते कैसे हैं, तो पहले डेबिट वाले जो अकाउंट्स होते हैं उनको लिखा जाता है। मान लीजिए किसी जनरल एंटिटी में डेबिट के दो अकाउंट्स हैं, तो दोनों अकाउंट्स को कैसे लिखा जाएगा बता रहा हूँ आपको। पहले अकाउंट्स का नाम लिखना है, अकाउंट नेम, और फिर लास्ट में उसे रिप्रेजेंट करना है DR से, डेबिट से, और बीच का जो ये गैप है आप इसे फिलअप करेंगे ऐसे। एक और अकाउंट है जो डेबिट में ही लिखना है, तो फिर उसके नीचे लिख सकते हैं आप अकाउंट और फिर नेम, फिर DR और फिर ये। और चूंकि इसका अमाउंट है मान लीजिए 5000-6000 था, तो डेबिट वाले को डेबिट में ही लिखेंगे, क्रेडिट में मत लिख देना, 6000 डेबिट को डेबिट वाले में ही लिखेंगे। अब लिखना है क्रेडिट, क्रेडिट को इसके नीचे लिखते हैं, जब डेबिट पक्ष खत्म हो जाता है तब क्रेडिट लिखा जाता है। और क्रेडिट को लिखने के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ी जाएगी, थोड़ी सी जगह छोड़कर लिखा टू। अब इस टू का मीनिंग कुछ नहीं है, ये सिर्फ इसलिए लिखा गया है, ये सिर्फ इसलिए लिखा गया है ताकि पहचान हो सके। क्या हो सके, पहचान हो सके, तो हमने ये टू लिख दिया, और टू अकाउंट नेम, टू अकाउंट नेम हमने ये लिख दिया, ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। ठीक, अब इसके बाद एक और क्रेडिट में अकाउंट लिखना है, तो टू अकाउंट नेम हमने लिख दिया, और इसका जो अमाउंट है मान लीजिए इसका अमाउंट है 3000 और 8000, तो इसका अमाउंट क्रेडिट में लिखेंगे यहां पर 3000 और यहां पर 8000। देखिए डेबिट का टोटल क्रेडिट के बराबर होगा, ये डेबिट में देखिए इन दोनों का टोटल 11000 है, तो डेफिनेटली ये भी 11000 की एंट्री होंगी, जितनी डेबिट की एंट्री होती है उतनी ही क्रेडिट की एंट्री होंगी। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। इसके अलावा क्या जो क्रेडिट में मैं लिख रहा हूँ क्या मैं उसे क्रेडिट लिखूंगा, नहीं, क्रेडिट नहीं लिखना है, तो अकाउंट नेम क्रेडिट नहीं लिखना है, टू अकाउंट नेम क्रेडिट नहीं लिखना है, ये बात क्लियर हो गई। ठीक, और इसके बाद इस जर्नल एंट्री को हर कोई नहीं पढ़ सकता, टेक्निकल नॉलेज वाला बंदा ही पढ़ सकता है। बहुत से लोग ऐसे आते हैं बिजनेस में जिनको ये जर्नल एंट्री नहीं समझ में आती, तो वो क्या करेंगे, तो वो इसके नीचे पढ़ना पसंद करेंगे। उनकी जानकारी के लिए हम इन्फॉर्मेशन लिखते हैं जिसे नरेशन बोलते हैं, और उसे यहाँ पर लिख देते हैं। नरेशन को ऐसे लिखते हैं बीइंग, और जो भी सूचना लिखना चाहते हो वो सूचना लिखकर आप उसे क्लोज कर सकते हो। जरूरी नहीं कि वो एक लाइन में हो, वो दो लाइन की, ये तीन लाइन की, चार लाइन की भी लिख सकते हो। ज़रूरी नहीं कि वो बींग से शुरू हो, वो फॉर से भी शुरू कर सकते हो। तो ये बींग या फॉर क्या है, आप बींग भी मत लिखो, आप फॉर भी मत लिखो, आप सिर्फ लिख दो कि वो क्या है। अब हमने लिख दिया बिजनेस स्टार्टेड, तो हमने लिख दिया बींग बिजनेस स्टार्टेड। हमने लिखा गुड्स को नकद में बेचा गया है, तो हमने लिख दिया बींग गुड्स सोल्ड ऑन कैश। हमने कहा हमने उधार पर बेचा है, राकेश को बेचा है, बींग गुड्स सोल्ड टू राकेश। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब इसको क्लोज भी करना है, क्लोज भी करना है, और क्लोज पर्टिकुलर्स को किया जाता है, LF को क्लोज नहीं किया जाता, अमाउंट को क्लोज नहीं किया जाता, डेट को क्लोज नहीं किया जाता, ये बात याद रखिएगा। अब मैं आपको सिखा चुका हूँ फॉर्मेट, अब मैं आपको एक सैम्पल जर्नल एंट्री लिखकर दिखाऊंगा। मिस्टर डेविड स्टार्टेड बिजनेस विद कैश विद ₹10,000, नाउ हाउ शुड वी रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन। First of all, we should recognize what are the two types of accounts. In this transaction, there are two types of accounts. Mr. David. Mr. David, he is the owner of the business. So, this account will be represented by the name capital account. And he is introducing cash. So, their new account will be open with the name of cash account. So there are two accounts. Number one, capital account. Another one is cash account. Capital account represents owner and cash account represents our assets. अब दो अकाउंट्स हैं, एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ दैट कैपिटल एंड कैश अकाउंट। कैपिटल अकाउंट्स बिलोंग टू पर्सनल अकाउंट्स एंड कैश अकाउंट बिलोंग्स टू रियल अकाउंट्स।
करेक्ट है, अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट हु इज द रिसीवर और गिवर, वो रिसीवर है या गिवर है, वो गिवर है क्योंकि डेबिट ने पैसा दिया है तो गिवर विल बी क्रेडिटेड, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा और कैश अकाउंट रियल है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, जो आता है उसे डेबिट करते हैं, तो कैश को हम डेबिट करेंगे। इज इट ओके, समझ में आ गया? ज़्यादा तेज तो नहीं पढ़ाया, मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आप लोग पिछली तीन क्लासेस पढ़ कर आए हैं इसलिए आप मेरी बात को आसानी से समझ पा रहे हैं, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है थोड़ा सा स्लो मोशन करके पढ़ लेना भाई, चलिए ओके। सर कैपिटल आपने बोला डेबिट करनी, अरे नहीं भाई गिवर है, क्रेडिट करनी है, गलत सुना। अच्छा सर कैश आपने बोला डेबिट, हाँ कैश डेबिट करना है तो कैश को डेबिट करेंगे, आपने बताया डेबिट पहले लिखा जाता है, ऊपर बताया है आपने, तो चलो आप लिखते हैं, ये मैंने लिख दिया बेटा कैश अकाउंट डेबिट। कितने से स्टार्ट करा सर? 10,000 से स्टार्ट करा, क्लोज करो, फिलअप करो, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे? अब इसके बाद हम लिखेंगे क्या, कैपिटल अकाउंट, तो हम लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट और 10,000। अगर बिजनेस में एक मालिक है तो कैपिटल लिखना काफी है, पर बिजनेस में दो मालिक होते तो डेबिट और रहीम, तो हम लिखते टू डेबिट्स कैपिटल अकाउंट और फिर उसके नीचे लिखते टू रहीम्स कैपिटल अकाउंट। जो डेबिट ने पैसा लगाया वो डेबिट के कैपिटल अकाउंट में, जो रहीम ने लगाया वो रहीम के कैपिटल अकाउंट में। बेटा समझ में आ रहा है मेरी बात? क्लियर है? अब इसके बाद नरेशन आप लिख दीजिएगा बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, ठीक है, और फिर इसके बाद इसको क्लोज कर देना। यहाँ पर ईयर लिखना 2019 और जुलाई, और अगर आपने ऊपर लिख दिया है तो 2019 को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, साल में एक ही बार या पन्ने पर एक ही बार लिखा जाएगा, अगले पन्ने पर दोबारा से लिख सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई? सबको समझ में आ गया? करेक्ट है, ठीक है सर, ये बात सबको समझ में आ गई, बिल्कुल ठीक। हाथ थक गया है थोड़ा सा तो रेस्ट कर रहा हूँ बेटा। अब इसके बाद एक एंट्री और करेंगे, फिर ये ट्रांजेक्शन्स को भी ख़त्म कर रहे हैं हम और आज की क्लास को भी ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप लोग अब जरेंटी लिख पा रहे हैं। कोई जरेंटी आप मेरे से पूछना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसकी जरेंटी आपको बताऊँगा, ठीक है। और एक डॉक्यूमेंट आप लोग मेरे से डिमांड कर सकते हैं जरेंटिस का, वो जरेंटिस के डॉक्यूमेंट आप लोग कीजिए, घर पर उसको क्वेश्चन को कीजिए, मेरे को सबमिट करा सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, ठीक है। जिन्होंने मेरा कोर्स परचेज किया हुआ है, वो जिनको मैंने उसे बता रखा है, वो उस तरीके से अपना होमवर्क डेली सबमिट करते हैं, तो आज भी अपना सबमिट करेंगे, ठीक है। चलिए अब इस पैसे से आपने क्या करा, मैंने एक दुकान किराए पर ली है तो आपने रेंट पे करा है, तो रेंट पे करा है तो जरेंटी क्या बन जाएगी? एक्सपेंसिस डेबिट होते हैं, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, तो जरेंटी बन गई बेटा। पहले डेबिट लिखेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना पेमेंट करा सर? 1,000 रुपीज पेमेंट करा, ठीक है, बीइंग रेंट पेड। अब उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, बोलो क्लियर है? तो अब ये आपको समझ में आ रहा है, और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि अब आपको फॉर्मेट भी समझ में आ गया होगा, लॉजिक भी समझ में आ गया होगा, आ गया ना? ठीक। अब जब आपको लॉजिक समझ में आ गया है तो अब आप जर्नलिटीज भी लिख पा रहे हैं, अब आपको चाहिए प्रैक्टिस। इस प्रैक्टिस को अब कैसे करना है? इस प्रैक्टिस को करना है अपनी बुक्स में से, इस प्रैक्टिस को करना है मेरे दिए गए नोट्स में से, ठीक है। तो अब मेरे दिए गए नोट्स से जब आप इस प्रैक्टिस को करेंगे तो आराम से सारे क्वेश्चंस होंगे। बहुत से क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जहां पर आप मेरे से पूछेंगे, जैसे कि डिस्काउंट वाला क्वेश्चन आ गया, सर डिस्काउंट को कैसे एडजस्ट करना है, सर पैसा डूब गया, बैड डेब्ट्स कैसे करना है, सर डेप्रिसिएशन कैसे करना है, सर सैलरी का पेमेंट नहीं हुआ, आउटस्टैंडिंग सैलरी का कैसे करना है, एडवांस एंट्रीज। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग, मैं अपने लैपटॉप पर वो एडवांस एंट्रीज लिख कर लेकर आऊँगा, और उनको फिर कैसे करना चाहिए, कैसे उसकी गारंटी बनती है, क्यों बनती है, इन सभी सवालों के जवाब के साथ आऊँगा। तो तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा और राधे राधे, मिलेंगे बेटा अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग भूल मत जाना नीचे कमेंट करना, थैंक यू करना और शेयर करना। राधे राधे।